जगत के जाने माने फिल्म पियारो संजय भूषण का आज शादी है। आइए भोजपुरी बातें में आपका स्वागत है। सर संजय भूषण पटियाला जी जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में हजारों शादियां कराई हैं, आज उनकी शादी है, आप चाहेंगे? बिल्कुल। और वो भोजपुरी सिनेमा में जब सिनेमा के अंदर जब शादियाँ होती रही हैं तो उसको मिर्च मसाला लगा के हमेशा संजय भूषण ने प्रेजेंट किया है और कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, तमाम किया है। लेकिन वो फिक्शन था, वो रील के अंदर शादियां होती रही हैं। अब जो शादी आज हो रही है वो रियल लाइफ की शादी है संजय भूषण की। और मेरी पूरी शुभकामना है कि संजय जैसे मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ईश्वर करे कि वो और उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार ऐसे मुस्कुराता रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और एक हंसता खेलता परिवार और फले फूले, बस यही दुआ है। सर आज आप इस शादी में सम्मिलित होने के लिए कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया हूँ और ये शादी मेरे छोटे भाई हैं संजय को बहुत प्यार मैं करता हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी और मतलब चेस्ट में पेन हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा कि यार शादी तो एक ही बार होनी है और मुझे जाना ज़रूरी है। और मैं फिर आया पटना और पटना वैसे भी बहुत पसंद है मुझे, तो मेरे लिए कर्म भूमि है, बहुत प्यार करता हूँ मैं, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं खुद बहुत प्यार करता हूँ पूरे बिहार को। और चूंकि संजय यहाँ से हैं तो मुझे लगा कि नहीं, इस शादी में तो जाना ज़रूरी है और फिर चले आए बस यहाँ तक। इस स्वीट कपल के लिए आप स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे एक लाइन उनके लिए कि खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर, लड़ना है जंग होके दबंग, दिल हो न तंग किसी हाल पर, चलना है निरंतर तुझको अब रुकना ना किसी भी मोड़ पर, जैसे जल सरिता का बहता राहों के पत्थर तोड़कर। आने वाली फिल्म मेरी अभी लैला मजनू रिलीज़ होगी जिसके गाने यूट्यूब पर आ चुके हैं और गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं, इंटरटेन म्यूज़िक पर गाने हैं। और उसके अलावा पांचाली नाम की फिल्म ने बनाई है जो रिलीज़ होगी वो भी। और उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, प्रदीप पांडे चिंटू हीरो हैं लैला मजनू में और उनके गाने कई सारे जो हैं बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं। सर अभी गाना हाल ही में रिलीज हुआ है प्रदीप पांडे चिंटू, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, वो पहली बार उन्होंने एक धोबी गीत गाया है कि अब तो पीछा छोड़ दा हो गए नहीं बच्चे वाली। और खुशबू राज जी जो बहुत लीजेंड सिंगर हैं भोजपुरी प्राइवेट गीतों की, धोबी गीतों की, उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ और विजय लाल यादव उनके सबके साथ उनकी शुरुआत उन्होंने करवाई थी, अपने मतलब आवाज़ उनकी रही है एंड शी इज़ वन ऑफ द लीजेंड सिंगर। तो उन्होंने चिंटू का ये सौभाग्य कह सकते हैं कि खुशबू राज जी के साथ उन्होंने वो वॉइस शेयर की है और एक ही एल्बम में दोनों लोग हैं और बहुत प्यारी, अभी भी वो उतना ही प्यारी हैं, उतनी अच्छी आवाज़ उनकी है, उनकी आवाज़ में उतना ही खनक है।